अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल में इमाम एंड माल्टा टीवी में। मैं माल्टा के लिए सबके लिए वीडियो लेके आता हूँ और जो मेरे सब्सक्राइबर और जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत उनको जानकारी के लिए मैं लेके आता हूँ। जो मतलब यूरोप में आना चाहते हैं माल्टा में, जिन्होंने अप्लाई किया हो और जो अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए मैं अच्छे से जानकारियाँ लेके आता हूँ, जो उन्हें थोड़ा सा मेरे तरफ से हेल्प हो जाए। और आप लोग देख रहे हैं लगातार मैं वीडियो इस टाइम डाल रहा हूँ इस वजह से कि मैं देख रहा हूँ कि फ्रॉड एक से छूट रहा है तो दूसरा कर रहा है, दूसरे से कर रहे हैं तो तीसरा कर रहे हैं, ठीक है। बट चले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी प्रूफ एंड डिक्लेरेशन का जो आ गया हुआ है फ्रॉडबाजी, तो इस विशेष में मैं ज़्यादातर बात करूँगा और कुछ वर्क परमिट के लिए भी बात करूँगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आप लोग यही बोलूँगा कि आप लोग लास्ट तक बने रहें और वीडियो को देख कर कम से कम समझें आप लोग कि मैं आप लोग कैसे समझा रहा हूँ और हर एक चीज़ में आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ और जो चीज़ रियल है वही बतला रहा हूँ अपने चैनल पर। तो इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा, शॉर्ट में समझाऊँगा, आप लोग समझ भी लीजिएगा। पहले तो हम वर्क परमिट के लिए शुरू करते हैं। देखिए आप लोग वो दिन याद करें जब मैंने बोला था रजिस्टर करना था, जब ये अपॉइंटमेंट ओपन होने वाला था कि आप लोग क्रिएट अकाउंट करके आप लोग रजिस्टर करें, ठीक है ना। आप लोग का वर्क परमिट भी उम्मीद है रिन्यूअल हो जाएगा और आप लोग को अपॉइंटमेंट भी मिलना होगा, तो हो सकता है कि बाई मेल मिल जाएगा अपॉइंटमेंट। बट ऐसा नहीं हुआ, अपॉइंटमेंट ओपन हो गया, उसका सिस्टम चेंज कर दिया। तो चले ठीक है, फाइनली कल हमारे जो आदमी ने जमा किया है फाइल, उसका वर्क परमिट उसके ईमेल पर आ गया। भाई उसका वर्क परमिट उसका ईमेल पर आ गया और मैं उन्हें वीडियो में नहीं ला सकता हूँ, एक मेरी मजबूरी है। उनका डॉक्यूमेंट भी मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब नहीं चलने देगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह उनका जब पासपोर्ट मिलेगा तो 100% लेके आऊँगा वीडियो में और दिखाऊँगा कि वो आदमी कौन है, ठीक है। और उन्होंने 10 बजे किसने मंडे के दिन में अप्लाई किया था, वो कौन आदमी है और किन का वर्क परमिट आया हुआ है, डेट बाई डेट दिखाऊंगा सबको, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ख्याल करें, ये वर्क परमिट ऑटोमेटिक जिसने रजिस्टर किया हुआ है वो ऑटोमेटिक उनका वर्क परमिट वापसी आ रहा है 3 महीने के लिए आगे रिन्यूअल करके, ठीक है। और जिन भाइयों का नहीं हुआ है उनको बोलें एम्प्लॉयर को मेल करें, ठीक है। मेल पर भी आप लोग को वर्क परमिट आ रहा है, बट आ रहा है 100%, ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। अब रहेगी बात आप ये प्रूफ एंड डिक्लेरेशन पेपर का जो अभी भी हल्ला उठा हुआ है, तो एक बात बतला रहा हूँ मेरे भाई, देखिए अगर आपको मेरी बात मानना होगा तो मानिएगा, नहीं मानना होगा मत मानिएगा, वो लोग आपकी लाइफ है, आपका दिमाग है और आपका डॉक्यूमेंट है, जो दिल में है वो खींचिए। सबसे बड़ी बात बता दूँ तो किसी को डॉक्यूमेंट अपना मत देना। जो मुझे अब जो बोल रहा है भाई, बहुत आदमी हैं बोले हैं कि हम प्रूफ एंड डिक्लेरेशन हम रेडी करके देंगे इंडिया से ही, ठीक है ना, और पैसे लेंगे, पैसे जो चार्ज है वो चार्ज देंगे। तो मेरे भाई मैं आपको पहले बता दूं कि अपना डॉक्यूमेंट मत देना, आपके डॉक्यूमेंट से ही आपका ही डाटा उठा के और प्रूफ एंड डिक्लेरेशन रेडी करके दे देंगे, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट पर ऑलरेडी स्टंपिंग है, आपके डॉक्यूमेंट पर ऑलरेडी साइन है, ठीक है ना। रहेगी बात पेपर की, तो पेपर गूगल से मिल जाएगा आपको, गूगल से निकाल के पेन से भर के स्टंपिंग चिपकाया भी जा सकता है, चिपक रहा है भाई, फ्रॉड में हर एक चीज़ है भाई, ठीक है, चिपकाया भी जा रहा है, स्टंपिंग भी चिपकाया जा रहा है, साइन भी चिपकाया जा रहा है। तो इस वजह से इस हिसाब से फ्रॉड ज़्यादा है। जो भी काम करना हो रियल करना, अगर आप डिक्लेरेशन पेपर लेना है तो डायरेक्ट अपने एम्प्लॉयर को बोलें, आपका एम्प्लॉयर ही देगा, वही एक रास्ता है। अगर वो दे रहा है तो अच्छा है, नहीं दे रहा है तो होटल बुकिंग पर भी आपका फाइल सबमिट होगा, ये बतला रहा हूँ। आप लोगों को राय से करना है, कोई गर्मा गर्मी नहीं करना है। VFS में जाके देखिए, जो काम प्यार से हो जाएगा वो झगड़ा से और गर्मी से कुछ भी नहीं होता है। तो इस विशेष में ही मैंने कुछ बात करना था और ये देखिए ये ज़रूरी था आप लोगों को बतलाने के लिए, कम से कम आपके पास बात पहुँचे, मेरी पहुँचे, पहुँचाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए देखा लगातार मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मैं ये नहीं देख रहा हूँ आदमी कितना देख रहा है नहीं देख रहा है, मैं वीडियो लगातार डालता जा रहा हूँ कि आदमी को जितना से जितना हेल्प हो, क्योंकि इस टाइम हेल्प की बहुत ज़रूरी है। और मेरे भाई आप लोगों का मैसेज बहुत आया हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके सबको रिप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है इसके लिए सॉरी भाई, क्योंकि मैं भी ड्यूटी में हूँ और आप लोग देख रहे हो। और एक चीज़ और बताऊँ अपनी वीडियो में चलते चलते, वो भी बतलाता हूँ। आप लोगों ने देखा एक आदमी को रिसीव करके लेके आया हूँ, राजू चौहान को, आज मैंने उनको ड्यूटी भी चढ़ा दिया हुआ है, उनका पंचिंग भी 7 बजे से स्टार्ट कर दिया, हाजिरी भी सुबह 7 बजे से स्टार्ट, वर्दी से लेकर जैकेट से लेकर जूते वूते सब मैंने आज दिलवा दिए, क्लियर कर दिया आज मैंने उनको, क्लियर कर दिया मैंने। इतना फास्ट कौन काम करा सकता है भाई, कोई नहीं कराता है, कोई भी नहीं कराता। एक बार माल्टा में लैंडिंग हो गया भाई, कौन है भाई पहचानता नहीं हूँ, बट मेरे आदमी जितने भी आ रहे हैं ना, एक फैमिली है और मैं एक फैमिली की तरह रखूँगा और रहूँगा उनके साथ में, ठीक है। और एक वर्कर ही है और ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया हुआ है फ़ोटो, और जिसमें थंबनेल में डाला हूँ 1 से 2
दो से तीन, तीन से चार भी बहुत जल्दी होंगे, ठीक है ना। आप लोग वो फ़ोटो देखिएगा, मैं अपने यूट्यूब पर पोस्ट किया हूँ। और बस हम जितने भी आएंगे हम एक साथ रहेंगे, एक वर्दी, हर एक चीज़। आप लोगों ने देखा है, कल ही मैंने एयरपोर्ट से लैंड किया है, उसे उठा के रिसीव करके लेके आया हूँ, आज मैंने ड्यूटी पर चढ़ा दिया है। कौन इतना फास्ट काम करता है भाई, कोई नहीं करता है, ठीक है। बट चलें, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत, इस टाइम मुझे आप लोगों के सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। चैनल को जितना से जितना शेयर करें, आप लोग ग्रुप है, यार दोस्त हैं, जो भी आने वाले हैं यूरोप के लिए, खास करके यूरोप के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा है। और ख़ास कर माल्टा, इस टाइम तो सबकी आंखों में बसा हुआ है माल्टा, तो उनको लिए बहुत ज़रूरी है ये वीडियो उनके पास पहुंचाना। और वीडियो में आप लोग बने रहें, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्द इंडिया मिलूँगा मैं।